कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था एल्डर ड्रैगन इन्वेस्टिगेशंस पे, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करना पड़ेगा अभी मुझे। तो अगर मैं तुम्हें मैप में दिखाऊँ तो तुम ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइकन्स बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि सबके पास अपने लिए एक क्वेस्ट लगा हुआ है। तो चलो एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा, ये कौन है यहाँ पे? ये तो बाहर का रास्ता है। ये क्वेस्ट बोर्ड है, ये भी क्वेस्ट बोर्ड है, और ये शायद शेफ के पास का एरिया है, या फिर कह सकते हो जो अपनी हैंडलर है वो है। तो मोस्टली सारे रास्ते बाहर के हैं, तो मैं बेसिकली यही करूँगा, कुछ ऑप्शनल क्वेस्ट जो बचे थे मेरे पास उन सबको कंप्लीट करूँगा। राइट, तो अभी मैं सिर्फ वही ऑप्शनल क्वेस्ट वगैरह देख रहा हूँ जो कि स्पेशल अरीना में ना हो। तो इसका मतलब शुरू कर सकते हैं कॉल ऑफ द वाइल्ड से, क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शनल क्वेस्ट एक बार करने के बाद वहीं पर बहुत सारे एल्डर ड्रैगन्स के अपने को क्लूज वगैरह मिलने वाले हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ यार, इसके अलावा थोड़ा ग्रेट स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, तो मैं ग्रेट स्वॉर्ड ही उठाऊंगा, फ्रॉस्टक्राफ्ट ग्रेट स्वॉर्ड। चलो एक बार ये भी देख लेता हूं कि जो हार्वेस्टिंग है वो कितना गया है। तो यार देख सकते हो काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इसको अगर मैं फर्टिलाइज कर दूं मेगा फर्टिलाइजर से तो हार्वेस्टिंग की स्पीड बढ़ सकती है। और देखता हूँ क्या क्या मिल सकता है। चलो मेगा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। क्वेस्ट रेडी हो चुका है, निकलते कॉल ऑफ द वाइल्ड के लिए। तो अभी मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो है बेसिकली हॉरोफ्रॉस्ट रीच, और वहाँ पर मुझे मिल सकते हैं वूलॉग्स। वूलॉग्स बेसिकली हॉरोफ्रॉस्ट रीच के जैगराज है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। वो बस लाइन अप होते हैं वहाँ पर मरने के लिए, और कोई काम नहीं है उनका। खैर, और हाँ एक और चीज़, सिर्फ ग्रेट स्वॉर्ड ही नहीं, मैं इसके साथ लॉन्ग स्वॉर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर एक बार स्वॉर्ड एंड शील्ड भी यूज़ करके देख लेते हैं। ये स्वॉर्ड एंड शील्ड मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, और स्वॉर्ड एंड शील्ड बुरा वेपन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अभी खाना खाने की ज़रूरत है नहीं, हॉट ड्रिंक पी लूँगा मैं ताकि स्टैमिना फालतू में ख़त्म होना शुरू ना हो जाए। यार चलो चलते हैं कुछ वूलॉग्स वगैरह मारने। बैन बेरो एकदम सामने बैठा हुआ है, बैठा नहीं खड़ा है। मुझे नहीं पता वूलॉग्स की तादाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड स्किड मार्क्स वगैरह भी है, बियोटोडस भी है यहाँ पे, बैन बेरो भी है, टोबी कड़ाची भी है, लेकिन मुझे इन सब के पैरों के निशान नहीं चाहिए। मुझे पहले तो चाहिए वूलॉग, और उसके बाद मुझे चाहिए होपफुली अगर किसी एल्डर ड्रैगन के पैरों के निशान मिल सके तो, क्योंकि इन्वेस्टिगेट मुझे उन्हीं को करना है। बैनबेरो वगैरह मेरे को भरे हुए मिल रहे हैं। इस तरफ जाके देखता हूं, तो यहां के कैंप का भी मैंने डिलीवरी कंप्लीट कर दिया था, तो देख ही सकते हो यहां पर कैंप ऑलरेडी सेटअप हो चुका है मेरा। शायद ये मैंने दिखाया था, मेरे को भी याद नहीं मैंने दिखाया था कि नहीं, बट खैर व्लॉग मेरे को मिल नहीं रहे हैं पता नहीं क्यों। एक बार मिनी मैप में देखता हूं मैं। वूलॉग के निशान यूजुअली थोड़े छोटे होते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कॉर्टोस करके कुछ तो भी जीव है, पोपो यहाँ पर है, और यार दिख ही नहीं रहे ये प्राणी। और थोड़े मैप के अंदर जाके ढूंढता हूँ मैं। वेस्पॉइड्स है यहाँ पे,
यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर व्लॉग वगैरह है, तो मैं यहीं पर जाना चाहूँगा। मैप में मैंने मार्क कर दिया है, स्काउट फ्लाइज मेरे को वहाँ तक लेके जाएंगे। तो यार ये देखो टोपी कड़ाची यहाँ पर आ चुका है, लेकिन टोपी कड़ाची से लड़ना नहीं है मुझे अभी। यूजली टोपी कड़ाची कुछ करते नहीं है, हॉस्टाइल नहीं होते, थोड़े से डोसाइल होते हैं, तो जब तक मैं उनको मारूंगा नहीं, वो भी मुझे नहीं मारेगा। स्काउट फ्लाइज बड़ा अजीब ही बर्ताव कर रहे हैं। तो ये देखो कुछ तो भी नया फुटप्रिंट मिला है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पर है वो लोग। बहुत ही आसान है स्वॉर्ड एंड शील्ड यूज करना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वेपन है। अरे जा कहाँ रहे हैं ये वो लोग वगैरह? चलो ये वो लोग तो खत्म। देख सकते हो एक और बैरो का निशान है, और यहाँ पर शायद थोड़े और पैरों के निशान भी थे। तो वाइपर कड़ाची के पास मेरे को फिर से लेके जा रहा है। और थोड़े पैरों के निशान, बहुत सही। मास्टर रैंक में मुझे अभी तक नरगी कांटे मिला नहीं, तो ये देख सकते हो यार और वो लोग यहाँ पर है। ये भाग रहा है, स्वॉर्ड एंड शील्ड का जो डैमेज है वो भी मज़ेदार होता है। मतलब ये भी नहीं कि छोटा वेपन है तो डैमेज छोटा होगा, जैसे डुअल ब्लेड का होता है, क्योंकि डुअल ब्लेड में अटैक स्पीड अच्छी खासी होती है, लेकिन स्वॉर्ड एंड शील्ड में क्या है, अटैक स्पीड भी अच्छी खासी रहती है, डैमेज भी ठीक ठाक ही रहता है। और अगर एक बार यूज़ करना आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और वो लॉग्स की तलाश है मेरे को। वो देख सकते हो यार जूरा टूटस वहाँ पर मौजूद है। उससे कुछ पंगे वंगे नहीं लेने मुझे, मुझे सिर्फ वूलॉग्स को तलाशना है। वहां पर देख सकते हो थोड़े और वूलॉग्स वगैरह है। एक और व्लॉग यहाँ पर है। अच्छा ये व्लॉग नहीं, एक छोटा पोपो लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं। दो और व्लॉग्स की तलाश में हूँ। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर जितने भी छोटे वाले मॉन्स्टर्स है, या फिर कह सकते हो छोटे वाले जानवर है, उनको तलाशना मुश्किल है। तादाद काफ़ी है लेकिन तलाशना मुश्किल है, क्योंकि जैगरास वगैरह या फिर क्या कहते हैं कोरल हाइलैंड्स में जो दूसरे वाले जानवर थे, शैमोश जिनको कहते हैं, नाम भूल गया था मैं ऑलमोस्ट, उनको तलाशना भी आसान है, और 10-12 तो ऐसे ही मिल जाते कहीं पर भी खड़े खड़े। वुलॉग्स थोड़े से रेयर है। यहाँ पर ये कुछ हिरण जैसे जीव है, बैठ सकता हूँ क्या? हाँ, लेके कहीं नहीं जाएंगे ये मुझे, बट ठीक है।
एक और वो लॉग। अरे नहीं 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 स्वॉर्ड एंड शील्ड का यही है, बहुत ही क्लोज रेंज में रहना पड़ता है। एक और, यह आखिरी वाला होगा। मर गए क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, डेथ ग्रिप लगा दिया था इसने मेरे पे। चलो बैनबेरों से भी लड़ाई अगर हो ही चुकी है, ये लड़ाई खत्म है। स्वॉर्ड एंड शील्ड वेपन बुरा नहीं है, मुझे यूज करना नहीं आता। शुरुआत में बोरिंग सा ही हंट मिला, लेकिन आगे चलकर देखते हैं शायद थोड़े और एल्डर ड्रैगन के निशान वगैरह मिल जाए। इससे मैं भूल ही गया, जो स्वॉर्ड एंड शील्ड है वो मैं डिफेंडर लिस्ट का भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं ज़ोरा मैकडरोस के एक और क्वेस्ट में जाऊँगा तो शायद मैं वो कर सकता हूँ। देखते हैं ज़ोरा मैकडोरोस का क्वेस्ट आता है कि नहीं। लाइट अपॉन द रिवर्स ग्लूम, ये तो जेनोजीवा का क्वेस्ट है। मुझे चाहिए ज़ोरा मैकडोरोस का, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं पर वैसे तो। खैर कोई दिक्कत नहीं, मास्टर रैंक के ऑप्शनल क्वेस्ट ही कंप्लीट करता हूँ। लास्ट लेवल से शुरू करते हैं ताकि क्वेस्ट वगैरह करने में भी मज़ा आए। The secret to a good slice, ancient forest, nah. The black wind, ancient forest. ये भी अच्छा है, बीगॉन उरागान और फेस्टिवल एक्सप्लोजन। बीगॉन उरागान, पहले ब्लैक विंड ही कर लेता हूँ मैं, क्योंकि नारगा कुगा से लड़ने में वैसे भी मज़ा आता है। नारगा कुगा से लड़ने के लिए मैं इस बार ट्राई करूँगा कि ग्रेट स्वॉर्ड से लड़ सकूँ। पर देख लेता हूँ मेरा हेल्थ वगैरह आइटम्स वगैरह फुल है कि नहीं। फुल तो लग रहा है, खैर सही है, चल लेते हैं नारकागुगा से भिड़ने और होपफुली वहाँ पर कुछ और एल्डर ड्रैगन्स की फुटप्रिंट्स वगैरह मिल जाए। अब जब मैं सोच रहा हूँ फुटप्रिंट्स के बारे में तो मुझे लगता है कि मुझे पहले ही कैंप में लैंड करना चाहिए था। दूसरे कैंप में अगर लैंड करूँगा तो हाँ यही हाल होगा। ओ नाइस, फुटप्रिंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं मेरे को, बहुत सही। एंजनाथ के फुटप्रिंट्स यहाँ पर है और ये देख सकते हो ब्लू कलर का स्काउट फ्लाइज भी आ चुका है और फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं मेरे को, नाइस। एंजनाथ यहाँ पर है, मैं छुप जाता हूँ, मुझे इससे पंगे नहीं लेने। नाइस, यहाँ पर देख सकते हो ओल्ड टेंटेड स्पोर्स, ये तो भी कुछ तो भी नया है, मुझे नहीं पता क्या। खैर इसको छोड़ते हैं, नारगा गुगा की तलाश में चलते हैं। बढ़िया, और भी ज़्यादा एल्डर ड्रैगन फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं मेरे को। और जिस तरीके से फुटप्रिंट्स के निशान है मुझे लगता है कि वो ऊपर की तरफ गया होगा, तो ऊपर में भी मेरे को और ज़्यादा फुटप्रिंट्स मिल सके।
देख सकते हो यार यहाँ पर और भी फुटप्रिंट्स वगैरह है। अजीब बात है, मैं उल्टी दिशा पे जा रहा हूँ लेकिन फुटप्रिंट्स उल्टी ही दिशा में मुझे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। एक बार कैंप पे जाके अपना मील कर लेता हूँ क्योंकि मैंने मील किया नहीं है, और लड़ना नार्गो गुगा से है तो बिना मील किए नार्गो गुगा से लड़ना बेवकूफ़ी ही होगी। स्काउट फ्लाइज ऊपर की तरफ पॉइंट की या नीचे की तरफ? शायद नीचे की तरफ किए। बढ़िया यार, इन मच्छरों से मुझे नफरत है। मेरे को ऊपर उठा बिल्ले ताकि इनसे लड़ सकूं। नाइस, बिल्ले की स्ट्रेंथ देख रहे हो यार, अपने को एक शॉट पे उड़ा पा रहा है। तो ये ख़त्म, टेंटेड स्पोर्स फिर से उठा लूँगा। आगे और भी टेंटेड स्पोर्स है, बहुत सही। काफ़ी जल्दी अपना एल्डर ड्रैगन्स का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो सकता है, बस ऐसे ही और ज़्यादा क्लूज़ वगैरह मिलने चाहिए। और यहाँ पर कुछ और भी है, फुटप्रिंट्स, नाइस। आगे और भी फुटप्रिंट्स मिले। ये फुटप्रिंट्स एक सेकंड पहले यहाँ पर नहीं थे, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एल्डर ड्रैगन जो है वो यहीं पर कहीं पे मंडरा रहा है। तो नार्ग कुगा यहीं कहीं है और स्काउट फ्लाइज ने पकड़ भी लिया नार्ग कुगा का सेंट। ये तो फूके फूके की फुटप्रिंट्स है। आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पर है नार्गकू का और यहाँ पर एक और फुटप्रिंट भी है। एक, दो, और ये, और ये। सबसे पहले तो इसको टेंडराइज करूँगा। मिस्ड, फिर से मिस्ड, नहीं उसने मिस नहीं किया। इसके ऊपर सवार होने की कोशिश करूंगा मैं। बहुत सही, शटल को भी टेंडराइज कर लेना चाहिए था मुझे। एक, दो, तीन, बढ़िया। बहुत ही कलर टाइम पे डोज रोल किया मैंने। ट्रू चार्ज स्ट्रेस लगने वाला है, बहुत सही। 596 का डैमेज पूरा नहीं है। यहाँ
यहाँ पर देख सकते हो और भी टेंटेड कुछ तो भी स्पोर्स वगैरह मिले हैं। बोन्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं बोन का स्वॉर्ड क्राफ्ट करने गया था तब मेरे पास बोन्स की कमी थी। नाइस, देखना पड़ेगा कि मैं इसको एक और बॉल बैंक दे सकता हूँ कि नहीं। यूजुअली फ्रॉस्टक्राफ्ट ग्रेटस्वॉर्ड का जो स्ट्रैटेजी है वो पूरा चार्ज स्लैश लगाना नहीं होता। वो यूजुअली ये होता है कि जब भी मेरा जो वेपन है उसमें फ्रॉस्टक्राफ्ट लेवल फुल होगा उसी टाइम पे मैं उसको एटलीस्ट एक दो हिट्स दे सकूँ, तभी जाके सबसे ज़्यादा डैमेजिंग हिट लगते हैं। नाटोगो को पास बुलाऊंगा और उसको वॉल बैंक करने की कोशिश करूंगा। नाइस, ऐसे फाइव जीरो वन का डैमेज गया, इतना खास नहीं था। कार्टून जैसी लड़ाई हो रही है, बस धुएं की बबल की कमी है। नहीं, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को नारगंगुगा के साथ ग्रेट स्वॉर्ड से लड़ने में। अरे यार, बहुत जल्दी हट रहा है ये क्या था। उसके आगे फिर से नम हो चुकी है, इसका मतलब उसका एग्रो फिर से खत्म हो चुका है। इसका मतलब उसको एक और वॉल बैंक दे सकता हूँ मैं, ऐसे बढ़िया। फोर हंड्रेड 83, इतना खास डैमेज था नहीं। मुझे लगा मैं उसके अंदर छुप सकता हूँ और उसको सरप्राइजिंगली अटैक दे सकता हूँ। हाँ, ऐसे ग्रेट स्वॉर्ड लाना बहुत ही बुरा आइडिया था इस हंट में। यार अब पेशेंस नहीं रहता अब मेरे में। और बढ़िया बिल्ले,
तलवार की शार्पनेस भी मेरी खत्म हो रही है। ओहो कोरल फूके फूके भी यहाँ पर है। नारकोगू का लोकेशन चेंज कर रहा है और मैं भी कर लेता हूँ अपने वेपन्स चेंज, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस क्वेस्ट में इन वेपन्स के साथ मैं अच्छे से खेल पाऊँगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एफिशिएंटली हंट कर नहीं पा रहा हूँ मैं। अब तक नारकोगू की आधी हेल्थ कम हो जानी चाहिए थी जो मैं नहीं कर पाया। चेंज इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड लॉन्ग शॉट, यही सही है। मैं यूजुअली एंशिएंट फॉरेस्ट के जितने भी क्वेस्ट है ऑप्शनल में वो मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि एंशिएंट फॉरेस्ट एक ही ऑलरेडी सबसे बड़ा पज़ल है, और उसमें जो अरीनाज है मॉन्स्टर अरीनाज या फिर कह सकते जो फाइटिंग अरीनाज है उनका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, तो बहुत जल्दी वहाँ पर कॉर्नर होने के चांसेस है। और मैं नहीं चाहता कि अगर नारकोगू का जैसे मॉन्स्टर से लड़ूँ तो मैं कॉर्नर हो जाऊँ एक जगह पर। वो बात अलग है कि नारकोगू का मेरे साथ कॉर्नर हुआ हुआ पड़ेगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट प्रिकॉशन के लिए। चलो ये भी अच्छा है, दूसरा हाथ भी कर लेता हूँ टेंडराइज। एक और बार वॉल बैंक, नाइस। अरे यार मैंने गलती से मेंढक को मार दिया, और मेंढक को मारने से समझ सकते हो क्या होता है, स्लीपिंग वाला मेंढक है। ओहो नाइस, दहाड़ ने मेरे को जगा दिया। वो साइड कॉम्बो कंप्लीट। एनिमेशन में अटक गया था मैं। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है क्योंकि एक बार ईआई स्पिरिट स्लैश मारते ही अगर स्लैश सही हो या गलत हो अपना हंटर एनिमेशन में अटक जाता है। और साइड फोर साइड, बढ़िया हार्ड ब्रेक मिल चुका है। हेल्म ब्रेकर की तैयारी और सक्सेसफुल। एंजना भी मेरे पीछे ही है देख सकते हो। फोर साइड एक बार फिर से, एक पियर्सिंग पॉड मार के इसको निकल लेता हूँ मैं, कि मुझे इसे लड़ना नहीं है, लड़ना एक ही चीज़ से है और वो है ये। बढ़िया, बिल्ली की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पेकेबल है। एकदम भी हेल्म ब्रेकर के टाइम पे उसने उसको पैरालाइज कर दिया। गलत टाइम पे फुल साइड। नारकोगू कमज़ोर भी हो चुका है अभी तक, इसको एक और बार मैं पियर्सिंग पॉड मारता हूँ। अटेंशन नहीं खोना इसका, बहुत ही बुरा था वो। ओके इस तरफ
या स्पिरिट स्लैश के लिए गलत टाइम था। एक और बार खुद को डील कर लेता हूं मैं। अचानक से इसका डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मैं भी स्टन हो चुका हूं। थैंक्स बिल्ले। अनएक्सपेक्टेड था ये, गलती मेरी भी थी। मैंने मॉन्स्टर से मुंह मोड़ लिया था क्योंकि इस गेम में कभी करना नहीं चाहिए। फिर से देख मेरे पिनार को कुका। इस बार मैं मिस नहीं करूंगा। अरे यार लगी नहीं। अपने सेफ प्लेस पे जा रहा है नार्गोकुगा। पहले नार्गोकुगा का जो डेन है या फिर जो नेस्ट है वो मैंने देखा नहीं है, तो इस बार देखने को मिल सकता है वो। कोशिश करूंगा थोड़ा धीरे धीरे चलूं। ओके, तो ये है इसका नेस्ट, बुरा नहीं है। चलो इसको फ्लिंच शॉट मार देते पहले। नाइस, और नार्गोकुगा खत्म। बहुत सही, लगा ही था मुझे कि ग्रेट स्वॉर्ड जो है वो नार्गोकुगा के लिए अच्छा मैचअप है नहीं। है लेकिन उसके जो अटैक पैटर्न्स है वो एकदम याद रह जाने चाहिए। नार्गोकुगा मेंटल मिल चुका है मुझे। ओके, तो यार यहाँ पर भी काफ़ी सारे एल्डर ड्रैगन के फुटप्रिंट्स वगैरह मिल गए थे मुझे। होपफुली अपना जो भी रिसर्च लेवल है एल्डर ड्रैगन का वो कंप्लीट हो जाए। दस सेकेंड और बचे हैं क्वेस्ट खत्म होने के लिए। यहां पर देखो और भी ओल्ड फुटप्रिंट्स वगैरह है, मोस्ट प्रोबेबली उसी एल्डर ड्रैगन के। एलिमेंटलेस ज्वेल मिला है मेरे को। तो एलिमेंटलेस मैं तुम्हें बता दूं क्या रहता है, कि अगर किसी भी वेपन में कोई भी एलिमेंटल डैमेज ना हो वो बेसिकली अपने वेपन का जो रॉ डैमेज है उसको बढ़ा देता है। ज़्यादा खास है नहीं वैसे, एलिमेंटल डैमेज हमेशा बेटर ही रहता है रॉ डैमेज से। ओके, वो एल्डर ड्रैगन का रिसर्च खत्म हो चुका है तो सलियाना में वापस जाने को बोल रही है, तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या है सलियाना में क्या नहीं। कोई तो भी नया एल्डर ड्रैगन है। ओके, फील्ड टीम लीडर बोलते हैं। यू आर बैक, गुड टू सी योर सेल्फ। वी आर जस्ट गेटिंग द रिजल्ट्स बैक फ्रॉम द फर्स्ट लेग ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन हियर। द फोर्थ फ्लाइट हंटर हेडेड आउट टू द एंशिएंट फॉरेस्ट बेस्ड ऑन द रिसर्च टीम एनालिसिस एंड बिंगो स्पॉटेड अ वेलहजाक। वालहजाक, अगर तुमको याद होगा वेलहजाक वो मॉन्स्टर था जो रोटेन वेल पे मिलता था, जो सड़ी हुई लाशों को खाता था और जो माइजमा वगैरह छोड़ता था पैसिवली हेल्थ ड्रेन करने के लिए, वो एंशिएंट फॉरेस्ट में अभी आ चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। It's odd seeing an elder dragon
so adapted to the rotten whale in the forest. And that's not even the weirdest part. Apparently, it's even more noxious than any Walhazak we have studied before. Black Whale Walhazak, the scholars seem to be calling it. Keep it together, okay? I put on a quest to our best hunters. Be careful out there. Okay, Black Whale Walhazak. Even the name sounds dangerous. Wo to hai. Under the Whale of Death. Naya quest hai. देखते हैं सब कुछ है कि नहीं मेरे पास. ओके तैयार है. इक्विपमेंट चेंज करना चाहूँगा मैं इस बार. कोशिश करूँगा कि वालहज़ाक से मैं लड़ सकूँ इंसेक्ट ग्लेव ले करके. और हाँ, क्योंकि वालहज़ाक बहुत ज़्यादा माइज़मा यूज़ करता है. माइज़मा यानी कि उसका क्या कहते हैं, उसका जो सेंट वगैरह रहता है. तो यहाँ पर मैं एक माइज़मा ज्वेल यूज़ कर सकता हूँ जो कि एफ्लूवियल बिल्डअप को रिड्यूस कर देता है. तो ये मैं यूज़ करूँगा और साथ में काफ़ी सारे नल बेरीज भी हैं मेरे पास. तो होपफुली वो सब अच्छे से काम आ जाए. मील कर लेता हूँ मैं एक बार. और क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार, मैं डियाब्लोस का जो वेस्ट पीस है वो कब से यूज़ कर रहा हूँ. एक बार देख लेता हूँ उसमें ऐसा कौन सा स्किल है. जहाँ तक मुझे लगता है मैराथन रनर का स्किल था उस पर. चेंज इक्विपमेंट हंटर डियाब्लोस में देखते हैं. मैराथन रनर का स्किल था तो देखते हैं कुछ नया आर्मर है कि नहीं जिसमें मैराथन रनर का स्किल मेरे को मिल सके वेस्ट पीस में खास करके. मैराथन रनर ये रहा. तो वेस्ट पीस में सिर्फ डियाब्लोस का ही है. और ये ब्लैक बेल्ट करके कुछ तो भी है जहाँ पर वो मतलब सिंगल पॉइंट है मैराथन रनर का जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को. डियाब्लोस नीरो, उसके लिए चाहिए ब्लैक डियाब्लोस. ओके अब ये ब्लैक डियाब्लोस क्या चीज़ है देखना पड़ेगा एक बार. अभी तक तो क्वेस्ट आया नहीं है ब्लैक डियाब्लोस का. खैर कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अंडर द वेल ऑफ डेथ क्वेस्ट खत्म करने. और क्योंकि वालहज़ाक है, वालहज़ाक के लिए इंसेक्ट ग्लेव बहुत ही सही वेपन है. क्योंकि वालहज़ाक का मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं है लेकिन उसका बॉडी बहुत ज्यादा स्लेंडर है. तो मतलब टारगेटेड अटैक्स करना यानी कि पूंछ पे या तो सर पे टारगेटेड अटैक्स करना बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है. तो ऑलरेडी स्काउट फ्लाइज लोगों ने सेंट पकड़ लिया है. हाँ, इससे एक चीज़ याद आया, कुछ एप्टनॉथ को मार लेता हूँ ताकि थोड़े से रॉ मीट वगैरह मुझे मिल जाए. दो रॉ मीट अभी के लिए बहुत है, बाद में और भी कलेक्ट कर लूँगा जिसकी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. फुटप्रिंट्स वगैरह भरे हुए हैं इस जगह पे. पोशन भी ले लिया है, हनी भी ले लिया, लेकिन शायद मेगा पोशन वगैरह फुल है. ओ भाई, इन जागरास को देख रहे हो, ये पक्के से वालहज़ाक का काम है. क्योंकि अगर तुमको याद होगा वालहज़ाक ने रॉटन वेल पे रहने वाले गीरोस का भी यही हाल किया था. तो समझ सकते हो ये वालहज़ाक ड्रैगन जहाँ पर भी जाता है उस इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद कर देता है. उसका प्रेजेंस ही, ओ हो, नरगी गांटे के हॉर्न्स. ओके अब ये मत बोलना कि दो दो एल्डर ड्रैगन से मेरे को लड़ना पड़ेगा. ओके वालहज़ाक तक पहुंच चुके शायद.
तो ये स्पोर्स वगैरह मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी परिंदों को इसने मारा है उनके स्पोर्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। ये है ब्लैक वेल वाला सांप। इसके लाइफ खींचने की पावर और भी ज्यादा पावरफुल लग रही है मेरे को। और ब्लैक वेल वाला सांप गंदा हाथ है, इसकी आंखों पे देख सकते हो स्पोर्ट्स वगैरह भरे हुए हैं। तो ये बेसिकली अपने दुश्मनों को सेंस कर लेता है। इधर देख, नहीं इसको इसके नीचे लाऊंगा। ओके, इस पत्थर के नीचे, और ये पत्थर इसके ऊपर सबसे पहले गिराऊंगा मैं। अरे बाप रे, देख ही सकते हो यार कितना बुरा हाल है यहाँ पे। बस यही रह गया, यही रह गया था। नहीं नहीं नहीं, गलत कदम था वो। मैं तुम्हें ये बता दूँ, वो जो मुंह से निकाल रहा है वो बेसिकली माइज़मा है, वही चीज़ जो हेल्थ वगैरह ख़त्म करती है। बढ़िया, पहली सवारी मिल चुकी है अभी। ये एक और चीज़ मुझे एंशिएंट फॉरेस्ट की अच्छी नहीं लगती यार, कहीं से भी कुछ भी परिंदे वगैरह आते रहते हैं, कोई भी कहीं से आ जाता है, कुछ मतलब है नहीं। अरे पकड़ ले यार, हिट बॉक्सेस वगैरह कभी कभी सही से लगते नहीं है। बुरा था वो। पंखों पे पकड़ लेता हूँ, पंखों को भी टेंडराइज कर दूंगा। देख ही सकते हो कितना ज्यादा हेल्थ कम कर दिया उसने मेरा। पत्थर ने मेरे को बचा लिया, बहुत सही। बुरी हालत है मेरी अभी, देख ही सकते हो यार मेरे ऊपर माइज़मा चढ़ चुका है और नल वेरीज भी नहीं है मेरे पास। ओके, अभी मिला मेरे को। तो यही दिक्कत होती है बेलहज़ार से लड़ते टाइम कि उसके जो अटैक से कभी कभी पैसिव डैमेज करने लग जाते हैं, और पैसिव डैमेज उसका ये रहता है कि आधी हेल्थ वो वैसे ही खा जाता है, और जितनी बची रहती है हेल्थ वो अपने आप कम होती रहती है। ये देखो, ये भी नहीं कि सिर्फ मुंह से ही वो माइज़मा छोड़े, नहीं, शरीर के हर हिस्से से छोड़ता है वो। शॉट था,
कहां से मुझे शॉट पड़ा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। लगता अपना अल्टीमेट अटैक करने वाला है। अल्टीमेट अटैक उसका यही है कि चारों तरफ माइज मार रहा है। पानी में यूजुअली ऐसा लग रहा है माइज में रहता नहीं है। देख सकते हो यार मेरी हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। तो ये है अभी जितने भी पता नहीं यार डेवलपर्स लगता है क्रिएटिव आइडियाज से पीछे जाने लगे थे, इसलिए अभी जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन पर सिर्फ पैसिव डैमेज वाला बफ चढ़ा दिया है, बाकी और कुछ है नहीं। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मुझे रैथलॉस वगैरह से लड़ने में इससे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि रैथलॉस भले ही सिर्फ कलर वेरिएशन है, सिर्फ स्किन वेरिएशन है, लेकिन उनमें एक्चुअल मूव्स होते हैं, असली फाइटर्स की तरह लड़ते हैं वो लोग। ये नहीं कि पैसिव डैमेज देने वाला कोई कभी परिंदा। और सबसे बुरी बात तो यह है इन पैसिव डैमेज से बचने का भी कोई तरीका नहीं है। कर दूंगा टेंडराइज, देख सकते हो यार ये है इसके पैसिव डैमेज के तरीके। बहुत ही बुरा था वो। निकल लेता हूँ यहाँ से, ये मुझे नहीं लगता वहां पर ज्यादा टाइम रह पाऊंगा। थैंक्स बिल्ले। अच्छा उसने मुझे हील किया नहीं यार। खत्म है, बहुत सही। लॉन्ग स्वॉर्ड ही लेके आना चाहिए था मुझे ऐसा लग रहा है। इंसेक्ट ग्लेव वैसे वेपन बुरा नहीं है, बस दिक्कत यह है कि यहाँ पर वेलहजार के खिलाफ एंशिएंट फॉरेस्ट में मुझे खेलना नहीं आ रहा है। देख ही सकते हो यार पैसिव डैमेज किस रेट पे जा रहा है। इसकी कोई तो कमजोरी होगी। और कोई चारा नहीं था। देख ही सकते हो यार जब भी माइस मामले में कदम रखता हूँ मेरा जो हेल्थ है वो अपने आप ड्रेन होने लगता है, और माइजमा से बचने के लिए भी कोई तरीका है नहीं। एटलीस्ट लावा वगैरह से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक रहता है, यहाँ पर कोई ड्रिंक वगैरह ना तो कुछ पावर अप्स कुछ रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है डैमेज होना मैंडेटरी है। को फिर से टेंडराइज करना पड़ेगा। ये देखो यार मतलब ब्लास्ट अटैक पूरे एरिया में भी है, मैं एरियल डैमेज भी उसको नहीं दे सकता।
कतई इनविंसिबल है यार। चलो अच्छा है, एक और सवारी मिल सकती है मेरे को। ये क्या हुआ? ओहो, टाइमिंग को एकदम इमैक्यूलेट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा हुआ एक पैरालिसिस मिल गया। गलत टाइम पे फिर से नहीं, फिर से उसके वही वाले मूव्स आ रहे हैं बार बार, क्योंकि एकदम पूरे एरिया ऑफ इफेक्ट में ही डैमेज करते हैं। किसी भी ड्रैगन का ऐसा मूव है नहीं यार। फिर से नहीं, माइज़मा का अटैक फिर से लग गया मेरे को। एक और मैक्स पोशन खाना पड़ेगा मुझे। टाइमिंग काफी अच्छी थी, नाइस। बहुत सही, हेड को कर दिया मैंने टेंडराइज। हेडशॉट लगते रखते रह गया। पार्ट ब्रेक पहला मिल चुका है, और पहला पार्ट ब्रेक अगर इतनी देर बाद मिल रहा है तो समझ सकते हो कितना खतरनाक ड्रैगन होगा ये। एक और सवारी मिल चुकी है, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे वेपन की जो शार्पनेस है वो कम हो चुकी है। बुरा वार था वो, खैर कोई दिक्कत नहीं, पावर अप कर लेगा उस समय पहले। शायद इस बार मैं जंप कर पाया उसके अटैक से। वो जब खड़े होने वाले पोज पे आता है सबसे सही वक्त होता है उसको क्या कहते हैं एयरबोर्न अटैक वगैरह देने का। इस वाले बूथ की बात कर रहा हूँ। कैसे यार, मैं ऑलमोस्ट बाहर ही था उसके रेंज से। रोल भी नहीं कर पाया मैं। अरे फिर से नहीं, चक्कर आ चुके हैं, चक्कर आ चुके हैं। मैं ख़त्म। वो एक बार मेरे को लग गया, मैं ख़त्म। चलो बच गया। अच्छा
वेल हजार के पंख होने के बावजूद भी वो उड़ नहीं रहा, जो कि वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो उड़ना शुरू कर दे यार तो मैं खत्म। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पास जो हेल्थ बूस्ट स्किल है वो कम है? तो देख ही सकते हो यार, एक सिंगल हेल्थ बूस्ट लेकर आया हूँ मैं, तभी मैं सोचूँ मेरा जो हेल्थ बार है वो इतना पीछे क्यों है। खैर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया डॉज था वो। हेडशॉट, लेकिन कोई फायदा क्या है हेडशॉट का? पूंछ को भी टेंडराइज कर ही देता हूँ मैं, क्योंकि काफी सारे अटैक्स में इसकी पूंछ पे मार रहा हूँ, और अगर मैं पूंछ को टेंडराइज न करूँ कोई सेंस ही नहीं बनता। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इसके माइजमा के जो पार्टिकल्स हैं वो मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं, जब तक मैं इसकी तरफ हुई नहीं। एक और मैक्स पोशन खत्म। गुस्सा आ चुका है इसको, अभी कुछ तो भी उल्टा सीधा करने वाला है, बस लगा ही था। एक और पार्ट ब्रेक मिल चुका है मुझे, पूंछ पे हमला करता हूं। वेल हजार कभी अपने चेलों को बुला रहा है, पूछ बढ़िया शॉट। किमसेक ड्रिल भी अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। यार मैं इसके शरीर पे चिपकते चिपकते मार खा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा अनफेयर फाइट है ये। चार मैचेस, मतलब पिछले एपिसोड से ही मेरे को अनफेयर फाइट्स मिले जा रहे हैं, यानी कि या तो कोई ड्रैगन ऐसा होता है जिसका सिर्फ पैसिव डैमेज ही होता है, या तो दो दो ड्रैगन से एक साथ आ जाते हैं। एक बेजल गीज ही था जो मेरे को लगा कि सीथिंग बेजल गीज की बात कर रहा हूँ, वही एक था जो लगा कि एटलीस्ट थोड़ा हल्का फुल्का फेयर फाइट है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा तब तब लगने लगा कि वो भी थोड़ा अनफेयर होने लगा, क्योंकि वो जो भी बॉल्स वगैरह फेंकता था वो रैंडमली कहीं पर भी जाकर गिर जाते थे। और वो बॉल्स चिपक के फटने लगते थे। अब लगता है नए अड्डे पे लेकर जा रहा है ये मेरे को। ओके, ये एरिया फिर से, यार कोई दिक्कत नहीं। सर को कर दिया मैंने टेंडर राइस। एक और अजीब चीज लगी मेरे को,
तो यार देख ही सकते हो कि अभी ये वाला अटैक भी कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द भी माइजमा वगैरह निकल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ओह बहुत सही, इसका मतलब यह है कि इसके भी एरिया अटैक और पैसिव डैमेज फालतू के जाते हैं, रैंडमली कहीं पर भी इसके अटैक करने लग जाते हैं। बुरी टाइमिंग थी, हेल्पफुल कर लेता हूं मैं। एक और पार्ट ब्रेक मिला है, हेडशॉट, नाइस, कोई फायदा नहीं हुआ हेडशॉट का, मुझे लगा था एटलीस्ट वो फ्लिंच करेगा को चार्ज कर लेता हूं मैं ना, इनके चक्कर में नहीं फंसना। वेज बीटल के पास जाऊंगा, ना तो इसको सही से मैं डैमेज दे पा रहा हूँ। थैंक्स बिल्ले, लग रहा है कि अभी ये वही अटैक सिर्फ स्पैम करे पड़ा है और कोई अटैक कर ही नहीं रहा। मुझे स्पैमिंग से प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे प्रॉब्लम तब लगती है जब उसके जो स्पैम वाले अटैक होते हैं वो सिर्फ वन डायमेंशनल से मेरा मतलब है कि क्या कहते हैं, एक ही जगह पर अटैक करता हो और वो सारे अटैक पैसिव डैमेज ड्रेन करने वाले हो, डैमेज नहीं पैसिव हेल्थ ट्रेन करने वाले हो। चलो अच्छा है यार, एटलीस्ट कमजोर हुआ। हनी उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, एक मेगा पोशन आखिर क्राफ्ट हो जाएगा। ओके, लेट चुका है वो, बहुत ही वाहियात जगह पर लेटा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं वॉल बैंक कर सकता हूँ। और वॉल बैंक के तुरंत बाद ही इसके सर पे अटैक करूँगा मैं। बच गया, फिर से बचा, अरे अब नहीं बच पाया। फिर से बचा, एक बार फिर से किनसे ड्रिल कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर कोई दिक्कत नहीं, और बैलाजाक खत्म। 25 मिनट लगे इसको खत्म करने में, बहुत ही ज्यादा एनोइंग फाइट था ये। चलो अच्छा है, लूट कर लेता हूं मैं इसको।
ओके होपफुली यार इसका जो वेपन और आर्मर है वो वर्थ इट हो, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं यार, बहुत ही फिलर मॉन्स्टर था ये और कुछ ज़्यादा इस मॉन्स्टर पे था भी नहीं, बस एनवायरमेंटल डैमेज भरे हुए थे और कुछ नहीं। मुश्किल बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं इसको, अगर मुश्किल होता तो मतलब एक ना एक बार तो मैं फेंट कर ही जाता, बस वही था कि पेशेंस थोड़ा चाहिए इसको मारने के लिए और बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग भी था। एनॉइंग इसलिए क्योंकि इसके मुंह से कहीं तो भी बीम निकलती है लेकिन वो बीम इसके शरीर से लीक होती रहती है, तो समझ ही नहीं आता कि यार मारना किधर है और किधर नहीं। Great. फील्ड टीम लीडर बोलते हैं, हे यूर बैक, ग्रेट वर्क आउट देयर, इट्स गुड टू सी यू सेफ, वी विल गैदर आवर स्कॉलर्स ऑन साइट विद एन एस्कॉर्ट स्ट्रेट अवे, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, द इन्वेस्टिगेशन इनटू दैट सॉन्ग एंड द साइस्मिक एक्शंस प्रोग्रेसिंग टू, इट्स नो सरप्राइज बट द कमीशन्स इनक्रेडिबल, एनीवे रेस्ट अप, वंस यू आर फीलिंग रेडी वी विल गेट यू बैक आउट इन द फील्ड टू The Coral Highlands, I think that's where we are spread thinnest. Let's go. Head there and keep searching for any Elder Dragon tracks. Thanks, Hunter. और भी ज़्यादा अभी Elder Dragon की research वगैरह आने वाले हैं। तो इससे पहले मैं जाऊँगा स्मिथी के पास। स्मिथी के पास चेकआउट करूँगा कि कुछ उसके पास नया है कि नहीं। फोर इक्विपमेंट आर्मर में देखूंगा वैल हजार का कैसा आर्मर है, तो यार देख सकते हो यहाँ पर पीक परफॉर्मेंस है, रिकवरी स्पीड यहाँ पर मुझे मिल रहा है, रिकवरी अप भी मिल रहा है, स्पीड ईटिंग भी मिल रहा है, एफ्लूवियल रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, तो यार एफ्लूवियल रेजिस्टेंस तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सुपर रिकवरी मेरे को मिल रही है जो कि मुझे नहीं पता क्या है, देखता हूँ। वॉल सोलवेन अलाउज रिकवरी टू एक्सीड रेड पोर्शन ऑफ द हेल्थ गेज, हाँ तो ये बहुत ही अच्छा स्किल लग रहा है मेरे को, तो शायद वालहजाक का जो क्या कहते हैं वालहजाक का जो आर्मर पीस है वो भी क्राफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में क्राफ्ट करेंगे, पहले देख लेते हैं वेपन्स वगैरह कुछ है कि नहीं। वेपन्स नहीं, इक्विपमेंट अपग्रेड में देखता हूँ, क्या पता जो भी वेपन्स वगैरह एग्जिस्टिंग थे उसके लिए नया अपग्रेड आया होगा ना, अभी भी क्वेश्चन मार्क है वेल का नाम है। इसमें देखता हूँ मैं इंसेक्टलेव, नहीं क्रिम्सन वाइपर फैंग ये तो फुली अपग्रेडेड है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो मुझे लग रहा है जो रेड कलर का जो क्वेश्चन मार्क वाला मटेरियल है वो टेओस्ट्रा का होगा, क्योंकि टेओस्ट्रा ही एक ऐसा फायर ड्रैगन है जिसमें वो वाला एक और सिंबल लगता है। खैर और देखते हैं मेरे पास कुछ तो भी चार्म्स थे, फोकस चार्म देखता हूँ और अपग्रेडेबल है कि नहीं, लगता तो नहीं है इससे। ओके एल्डर ड्रैगन रिसर्च और करने हैं, एल्डर ड्रैगन रिसर्च से पहले मैं देखता हूँ कि कोई और बंदा वालहजाक का हंटिंग कर रहा हो कि नहीं, अगर ऐसा रहता है तो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि बहुत ही अनोइंग फाइट थी यार, इतना अनोइंग मेरे को सही लगता है नहीं। ऑप्शनल में जाऊंगा, लुकिंग फॉर दैट ग्लिमर, वेलकाना का भी है, ओडोगेरोन का भी है, दो वेलकाना का है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई क्या कहते हैं कोई दूसरा एल्डर ड्रैगन हंट कर रहा हो, कोई दूसरा बंदा वही एल्डर ड्रैगन हंट कर रहा हो। तो यार अभी मेरे को मिला था कोरल हाईलैंड के कुछ क्वेस्ट, तो चलो चल लेते कोरल हाईलैंड्स पे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ तो भी टारगेट लेकर के चलेंगे। किसी और ने क्वेस्ट पोस्ट किया है, देखते हैं क्या क्वेस्ट है उसका। टेओस्ट्रा द इन्फर्नल और मोस्ट स्वाइन डाइनिंग, कुछ खास क्वेस्ट है नहीं वो। अंदर जाके देख लेता हूँ, कुछ और होना तो चाहिए यार, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं क्राफ्ट कर सकूं। आई गेस लॉन्ग सोर्ड को काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने अपग्रेड नहीं किया,
तो मुझे बेसिकली चाहिए एक फायर लॉन्ग शॉट, शायद ग्लावेनस का है, लेकिन वो भी ब्लू पे ही खत्म हो जाता है। वाइवर्न ब्लेड एम्पीरियन, तो ये जो मुझे लग रहा है वो रैथलॉस का ब्लेड है, तो लेकिन इसका 729 और 330 फायर है, कुछ खास नहीं। वेलकाना का जो वेपन है वो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। और थोड़ा आगे देखते हैं, एंजनाथ का भी वेपन है जिसमें फायर 600 है और अटैक जो है 891 है, लेकिन उसमें देख सकते हो वाइट शार्पनेस के लिए चार्म चाहिए होगा, तो उसको यूजुअली बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट चार्म, तो एक बार इससे पूछ लेता हूँ हैंडीक्राफ्ट चार्म है कि नहीं। चार्म में जाऊंगा और हैंडीक्राफ्ट, यहाँ पर भी स्किल के हिसाब से सॉर्ट आउट करने को आना चाहिए था, लेकिन अभी चार्म्स है तो स्किल ही बेसिकली है, तो सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हैंडीक्राफ्ट चार्म यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ और अब इसको मैं अपग्रेड भी करूँगा, देखते कितना अपग्रेड हो सकता है। कुशाला डाओरा की पूंछ चाहिए सेकेंड अपग्रेड के लिए, खैर छोड़ो जाने दो। चेंज इक्विपमेंट करके फिर से यही वाला इक्विपमेंट धर दूंगा। और सबसे पहले तो इसमें डेकोरेशन चेंज करूंगा ताकि मेरे को एक और वाइटलिटी मिल जाए एटलीस्ट। चलो ये मिल चुका है, चेंज इक्विपमेंट में जाके फिर से इसको सेव कर दूंगा। ओके, अभी देखता हूँ कोरल हाइलैंड्स में चल करके, कोरल हाइलैंड्स में और कुछ नए निशान मिलते कि नहीं एल्डर ड्रैगन्स के। पोस्ट न्यूक्लियस में जाऊँगा, ज्वाइन ही कर लेता हूँ, क्या ही है। असाइन में टेओस्ट्रा का ही है, इवेंट्स में वही है, रिस्पॉन्ड में देखता हूँ और क्या क्या मिल सकता है। कोरल हाइलैंड एक्सपीडिशन, ओके यहाँ पर कुछ अच्छा मिल सकता है, असाइन में देखते हैं। ऑप्शन द आफ्टर लाइफ फॉर मी, तो ये भी वही क्या कहते हैं ब्लैकवेल हजाक का ही कर रहा है, तो इसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग शॉट, क्योंकि होपफुली लॉन्ग शॉट थोड़ा सा बेटर पोटेंट होगा वेल हजाक के लिए, क्योंकि सच बता रहा हूँ यार इनसे ग्लेव तो मेरे को इतना खास लगा नहीं वेल हजाक के खिलाफ। स्टैंडर्ड LS यही ठीक है। डेकोरेशन में मैं माइजमा ज्वेल यूज़ कर लूँगा, यहाँ पर देख सकते हो, और चल लूँगा मैं क्वेस्ट के लिए। तो यार देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी पार्टी फुल है, चार प्लेयर है ऑलरेडी, तो ये क्वेस्ट मज़ेदार होने वाला है। और चार प्लेयर में बेस्ट बात यह है कि एक दूसरे को हील किया जा सकता है। तो जाने से पहले एज यूजुअल कर लूँगा मैं मील, नाइस। तो निकल लेते हैं वेल हजाक की तरफ। बहुत ही गलत जगह पे लड़ाई चल रही है जहां पर माइजमा भरा हुआ है। लगा नहीं था इतनी बुरी शुरुआत होगी। फोरसाइट बढ़िया था, फिर से फोरसाइट, कॉम्बो कंप्लीट। फोरसाइट फिर से हील कर लेता हूं खुद को मैं। बढ़िया शॉट था,
थोड़ा दूर जाऊंगा यहाँ से, मुझे नहीं लगता उस माइजमा से मैं बच पाऊंगा। यार देख सकते हो किसी ने ये वाइट कलर का कुछ तो भी लगा रखा है, वो स्पेशल आइटम था। तो उससे बेसिकली होता यह है कि अगर किसी को माइजमा का वायरस लगा तो उस पर कदम रखने पर ही वो वायरस ख़त्म हो जाता है। एक और बार नाइस। बहुत ही गंदी कोशिश थी वो, कर लेता हूं मैं खुद को पहले ही। एक और बार उधर देख सकते हो साइड में फ्री मील एक्टिवेट हो चुका है, तो ये चीज मेरे को बहुत सही लगती है कभी कभी फ्री मील जब जब एक्टिवेट हो जाए। तो बैंडिट मैंटल में यूज़ कर लूँगा ताकि कुछ खजाना वजाना मिल जाए। ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा एनोइंग फाइट है यार इसका। फोरसाइट लगा नहीं मेरे से, या फिर कह सकते हो गलत टाइम पे मैंने फोरसाइट डाला। ओके वॉल बैंक बहुत सही। डाइव ले लेना चाहिए था मेरे को वहां पे।
बहुत ही मजेदार रैंडम्स मिले इस बार। अरे यार देख ही सकते हो यहाँ पे तीन लॉन्ग स्वॉर्ड और एक ग्रेट स्वॉर्ड, कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, कमी थी तो बस इन से ग्लेव की। यूजुअली एक टीम में एक गनर, एक डीपीएस, एक स्टनर और एक राइडर, ये अगर हो वो मॉन्स्टर पर सवार हो चुका है वो बंदा। तब तक मैं टेंडराइज कर देता हूँ, बढ़िया शार्पन भी कर दूंगा, नाइस। वाइट डैमेज क्यों आ रहा है यार, मैंने अभी अभी टेंडराइज किया था। और इसके नीचे गिरते ही डैमेजेस लगने लगते हैं। तो यार उस बंदे ने टेम्पोरल मेंटल लगा रखा है, देख ही सकते हो, जिसने येलो, जिसके पास येलो कलर का हुड टाइप का कुछ तो भी है। तो टेम्पोरल मेंटल बेसिकली ऑटोमेटिक डॉज करने का वो रहता है। कर लो यहां से, खैर कोई दिक्कत नहीं। अरे यार गलत टाइम पे फेंट कर गया मैं, मेरी गलती थी। दूसरा फेंट आ चुका है, मेरे अलावा पहले भी एक और बंदा हुआ था, और जितना मुझे दिख रहा है मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो बेस्ट है मैं एक मैक्स पोशन ले लेता हूँ और इसके बाद आइटम बॉक्स को मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, अपग्रेड नहीं फिलअप कर लेता हूँ। बैंडिट मैंटल की जगह मैं भी इवेजन मैंटल उठा लेता हूँ। और यहाँ पर एक क्लेंजर बूस्टर भी उठा लेता हूँ, नाइस। तो वो दो दो क्लेंजर बूस्टर मिल जाएंगे। चाहता तो हीलिंग बूस्टर भी उठा सकता था लेकिन उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हील्स की कमी है नहीं, क्लेंजिंग की कमी है। और ऐसा लग रहा है उन बंदों ने वैलहज़ाक को कमज़ोर कर दिया है। खैर परफॉर्मेंस मेरी तरफ से भी बुरा था, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मैं, या फिर ये भी कह सकते हो काफ़ी चीज़ें करी मैंने शुरू में, दो तीन पार्ट ब्रेक्स तो किए लेकिन वो इतने मज़ेदार थे नहीं।
तो यार चलो, एक और हो चुका है वैलहसा का हंट। होपफुली इस बार एटलीस्ट एक तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक इक्विपमेंट उठाने का मौका मिलता है, मतलब एक इक्विपमेंट नहीं, एक आर्मर अनलॉक करने का मौका मिलता है। तो यार रैंडम्स के साथ खेलने में भी मज़ा आता है, कभी कभी कर लेना चाहिए किसी के मैचेस वगैरह ज्वाइन। इनके कॉस्ट्यूम्स भी देख सकते हो, एक से बढ़कर एक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर लूट वगैरह मिली नहीं मेरे को, बट खैर कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट जितना मिला है उससे एटलीस्ट मैं कुछ अगर नया क्राफ्ट कर सकता हूँ तो वही बहुत बड़ी बात है। Good to see you back in one piece. Like to see our return. Let's see. ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम वही डायलॉग है। We're making good progress. फिर से चलकर देखता हूँ इसके पास। स्मिथि प्लीज बेलहजाद का एक इक्विपमेंट रेडी करके रख। पर एक इक्विपमेंट रेडी है, रिकवरी स्पीड इसमें मेरे को मिलता है और इसमें स्पीड ईटिंग मिलता है, इसमें एफ्लुवियल रेजिस्टेंस मिलता है। तो मन तो कर रहा है कि एफ्लुवियल रेजिस्टेंस वाला उठा ही लूँ, अच्छा खासा स्टैट्स है उसमें, लेकिन स्पीड ईटिंग जो है वो भी अच्छा स्टैट्स है। समझ नहीं आ रहा, रिकवरी अब अच्छी चीज़ होती, देख ही सकते हो रिकवरी जो है 20% ज़्यादा हो जाता, लेकिन उसके लिए अभी कुछ है नहीं मेरे पास, शैडो पियर्स फैंग। खैर कोई दिक्कत नहीं, देखते और कोई बंदा अगर वैलहजाक का हंटिंग कर रहा हो तो, अगर और किसी ने वैलहजाक की हंटिंग की तो और भी मज़ा आ जाएगा, और भी वेपन्स या फिर और भी आर्मर अनलॉक करने के लिए मिल जाएंगे। इन्वेस्टिगेट कुछ है नहीं, एक और चीज, अगर मुझे सिर्फ वैलहजा को फिल्टर करना हो तो मैं ऑनलाइन सेशन में जा सकता हूँ, सर्च और फिल्टर सर्च में जाके क्वेस्ट प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और यहाँ पर मैं ब्लैक वेल वैलहजाक डालूंगा और कंफर्म करूंगा। कोई भी ब्लैक वेल वैलहजाक को प्रेफरेंस में नहीं डाल रहा है, इसलिए किसी का भी ऑनलाइन सेशन आया नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, फिर से ज्वाइन में ट्राई करते, देखते हैं अगर किसी और के पास होगा तो। अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद ही मतलब ब्लैक वेल वैलहजाक को सिलेक्ट करके उसके क्वेस्ट के लिए निकल सकता हूँ। और ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका क्वेस्ट मेरे पास आया ही नहीं, बहुत अजीब बात है यार। ऑप्शनल क्वेस्ट आ जाना चाहिए वैलहजाक का। ओह, हियर कम्स द डेथ मेकर, आई गेस यही है, बट ये एंशिएंट फॉरेस्ट पे है। इन्वेस्टिगेशन में भी जाकर देखता हूँ ब्लैक वेल का कोई इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं। टारगेट लगता नहीं है कुछ है, खैर कोई दिक्कत नहीं। इवेंट क्वेस्ट में भी मैं देख सकता हूँ ब्लैक वेल के लिए कुछ है कि नहीं। चिलिंग एंट्रेंस में है वेलकाना और ब्लैक वेल हजाक का, लेकिन एक ही
मॉन्स्टर से मेरे को लड़ना है, मुझे नहीं लगता मैं डबल मॉन्स्टर मैनेज कर पाऊँगा। रिटर्न ऑफ द बायो वेपन, रॉटन व्हील, ओके। वी हैव डिस्कवर्ड ए, यहाँ पर देख सकते हो, स्ट्रेंज कंडीशन विच इज हॉरिफाइंगली अनअफेक्टेड बाई एफ्लुवियल रेजिस्टेंस। स्पेशल मटीरियल रिवॉर्ड, तो चलो यार इसी को करते हैं आज, रॉटन व्हील पे जा करके। और ये क्या है, ड्रकून सिटी, रिटर्न ऑफ द बायो वेपन। इंस्टेड ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय एफ्लुवियम यू विल बी ज़ॉम्बीफाइड इफ यू आर हिट बाय एफ्लुवियम बेस्ड अटैक। दिस ऑल्सो मीन दैट एफ्लुवियम रेजिस्टेंस स्किल्स आर नेग्लेक्टेड। गैदर ग्रीन हर्ब्स फाउंड इन लोकल टू रिवर्स ज़ॉम्बीफिकेशन। If your zombie green herbs are rare red herbs, you can improve potency. Make sure you gather enough of these herbs to mitigate the zombified state before entering the battle. When you become zombified, you won't react to damage. Achha. And your health will recover naturally by itself. However, there are drawbacks. Certain actions such as evading cannot be performed. Almost all items cannot be used. You cannot recover health from almost any item, okay? कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। एक काम करते हैं, इसको बाद में ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी इतने खतरनाक क्वेस्ट मेरे को करने नहीं है। नॉर्मल वैलहज़ाक का ही क्वेस्ट करता हूं मैं। या फिर मैं एल्डर ड्रैगन रिसर्च के लिए ही निकल लेता हूं, खासकर तब जब कोरल हाईलैंड में नया एल्डर ड्रैगन मिलने वाला हो। जैसे जैसे गेम्स में, जैसे जैसे मॉन्स्टर हंटर पे तुम आगे बढ़ोगे गेम के आगे आगे, तो यूजुअली समझ नहीं आएगा कौन सा क्वेस्ट पहले करना चाहिए कौन सा बाद में। तो वही रीज़न है, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को डिसाइड करने में कि क्या कौन सा क्वेस्ट ज़्यादा सही रहेगा करने के लिए। बहुत ही इनडिसाइसिव सी बात है। यहाँ पर देख सकते हो ट्रैकर भी है, वो भी यानी कि एल्डर ड्रैगन के निशान वगैरह ढूंढ रही है। कुछ ज्यादा ही बड़ा निशान है ये एल्डर ड्रैगन का। These tracks will help with our elder dragon investigation. केल्बीज वगैरह है यहाँ पे। केल्बी हॉर्न है मेरे पास, तो इसको मैं रिप्लेस किससे करूं? फ्लैश पॉड के साथ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बैन बैरो ऑफ कोर्स, ये कहीं पर भी आ जाता है यूजुअली। इसको निकलने देता हूं, मैं नहीं चाहता ये मेरे पीछे पड़ जाए। यार देख सकते हो वहां पर कुछ विगलीज वाले जीव है, छोटे छोटे सांप जैसे, तो इनको पकड़ना यूजुअली थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो धीरे धीरे मैं पास जाऊंगा और अनसक्सेसफुल, खैर कोई दिक्कत नहीं, और भी मिलेंगे और फिर से ट्राई करूंगा उनको पकड़ने का। नारगाकुगा और बैनबेरो के बीच में लड़ाई हो सकती है और मुझे इनके बीच में फंसना नहीं है। और फुटप्रिंट,
वेज बीटल पे चढ़ के निकल लूँगा मैं यहाँ से, मुझे इससे पंगे नहीं लेने। एक और फुटप्रिंट, एकदम पीछे ही है मेरे नारकाकू का। ओल्ड फुटप्रिंट्स यहाँ पर और भी है, लेकिन ब्लू कलर का स्काउट फ्लाई जो है मेरे को दिखा नहीं रहा। ओ यहाँ पे, नाइस। ये तो कोरल फूके फूके का फुटप्रिंट्स है। ओल्ड वेवी स्लाइम और मिल चुके हैं मेरे को, नाइस। आई गेस इतना इनफ होना चाहिए एल्डर ड्रैगन इन्वेस्टिगेशन के लिए। शायद मैंने एक फुटप्रिंट मिस कर दिया कहीं पर, तो भी ना आनी चाहिए। बढ़िया, कोरल पुके पुके है। लास्ट स्लाइम मिल चुका है मेरे को यहाँ पे, इतना काफी होना चाहिए। तो इसी के साथ रिटर्न करते एक्सपेडिशन से। होपफुली नया एल्डर ड्रैगन अनलॉक। ओके, एल्डर ड्रैगन रिसर्च प्रोग्रेस पहुंच चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो चलो यार देखते हैं कौन सा नया एल्डर ड्रैगन है। गुड टू सी यू बैक इन सेफ, वी हैव आइडेंटिफाइड आवर एल्डर ड्रैगन इन कोरल हाइलैंड्स। ठीक है, इसका नाम है नैमियल। आफ्टर हियरिंग दैट द फर्स्ट फाइव वेरिएंट्स हैड टू से वी आर श्योर ऑफ इट। ठीक है, ठीक है। ईरी ग्लो, द सीन वॉज पिच ब्लैक ड्रैब इन कलर, इट्स स्केल बोर एवरी कलर ऑफ द रेनबो। Look at me, I'm scratching my head here too. Anyway, we had more reports come in. Something about strange light flashing up in the higher region of the Coral Highland. Let's go. Okay, Coral Highland mein hai ye ek naya dragon, a light from the abyss. Unidentified elder dragon is in the Coral Highlands. Let's head out, but proceed with caution. To yaar dekhte hain kaun sa naya dragon mila hai apne ko. Post new quest, master rank signed. A light from the abyss. तो आज एक ही टाइम पे दो दो एल्डर ड्रैगन्स मिल गए अपने को। तो इसको भी जल्दी से ख़त्म करके आते और देखते हैं इसके पास क्या क्या करने, क्या क्या ऑफर करने को है। स्काउट फ्लाइज ने ऑलरेडी सेंट पकड़ लिया है, और क्योंकि हायर रीजन में है कोरल हाईलैंड के, तो सबसे पहले तो मैं इस कैंप में चला जाऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा जो सबसे हाईएस्ट रीजन है कोरल हाईलैंड का, वो है लेगियाना का जो नेस्ट होता है। एक और चीज़ है मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा तुमको, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है वो। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और चेंज इक्विपमेंट में जाके मैं क्लेंजर बूस्ट की जगह ग्लाइडर मैंटल इक्विप कर लेता हूँ, तो मेरे पास दो अभी चीज़ें, टेम्पोरल मैंटल और ग्लाइडर मैंटल। तो उससे बहुत ही इजीली मैं हवा में ग्लाइड कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ क्या मतलब है उससे मेरा। जहाँ पर एकदम मेरे सामने वो विगली लिच्स है, मैं सामने निकलते ही ये लोग अंदर चले जाएंगे। खैर कोई दिक्कत नहीं, आसपास और कोई भी विगलीज नहीं है, देख सकते हो एल्डर ड्रैगन के फुटप्रिंट्स फिर से। नरगी गांटे के भी यहाँ पर थ्रोन्स वगैरह है, तो कुछ तो अजीब चल रहा है यार यहाँ पे। जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, किसी भी नए एल्डर ड्रैगन को ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पर नरगी गांटे भी मिल रहा है। हर्ब्स कलेक्ट कर रही है मैंने, और देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पर जो है हवा की स्टीम जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं अगर यहाँ से बी दबाता हूँ तो मैं ये ग्लाइडर मैंटल पकड़ करके इन हवाओं पर राइड कर सकता हूँ और डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच सकता हूँ। कटसीन शुरू हो चुका है,
देखते हैं कौन सा नया एल्डर ड्रैगन मिलता है यहाँ पे। अचानक से रात क्यों हो गई? अरे अगर तुम्हें डीप सी क्रीचर्स के बारे में पता होगा, वो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, खुद की लाइट जलाते हैं। अरे ये ड्रैगन पानी जनरेट कर सकता है आउट ऑफ थिन एयर। द मास्टर ऑफ टोरेंट हैज अप्रोच्ड। Trail of the Elder Dragons. Hey partner. Okay, तो नेमियाल ऊपर है। मैं देखता हूँ मैं फिर से विंड्स को राइड कर पाता हूँ कि नहीं। अभी नहीं कर सकता क्योंकि एक बार पहले ही कर चुका हूँ, और जब तक कटसीन प्ले हो रहा था ग्लाइडर मेंटल जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अब उसको रिचार्ज होने में टाइम लगेगा। अजीब रूल्स है बट रूल्स है तो क्या ही कर सकते। तो नमियाल है एकदम टॉप पे, तो वही कोशिश रहेगी जो। अरे यार क्यों क्यों इसी टाइम पे क्यों? अरे इन एल्डर ड्रैगन्स को मेरे से ऐसी क्या परेशानी है यार? बिहेव तो ऐसा कर रहा है जैसे मैं अछूत लाइक दफे इग्नोर। हाथ भी टेंडराइज कर दूंगा मैं, ये वाला हाथ भी। खैर कोई नहीं, एक हिट चलता है। बहुत बुरा था वो, ये भी और भी ज्यादा बुरा था। एरिया काफी छोटा है और नलबेरी में इक्विप कर लेता हूँ। जा कहाँ रहा है ये? शायद लगियाना के एरिया की तरफ जा रहा है, उसी तरफ मैं भी निकल लेता हूँ। एटलीस्ट उस एरिया पे थोड़ा सा तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अरीना का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पर बेटर लड़ सकता हूँ मैं इससे। गलत जगह पर मार रहा हूं मैं इसको, पहले तो पंख को टेंडराइज कर लेता हूं। कैसे अटैक है इसके? इसके लिए इंसेक्ट ले भी सही है। एक तो स्टैमिना इतनी जल्दी ये ट्रेन कर रहा है। तो यार देख ही सकते हो डबल बार अटैक लगाई की जगह पे।
थोड़ा सा रस्टी फील कर रहा हूँ मैं। मैंने फोरसाइट टाइम पे किया लेकिन फोरसाइट को कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब ये क्या नई चीज थी? खत्म है शायद, बच गया। बिल्ली ने एकदम सही टाइम पे उसको, यार बहुत ही अजीब से अटैक से इसके। अब तो मैं इसके पानी में था भी नहीं, फोर साइड भी काम नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है। लाइट की वजह से स्टैमिना कितनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है मेरा। फिर से गलत टाइम पे फोर साइड यार। एक सवारी एटलीस्ट मिल गई। इसके फोरसाइट का जो टाइमिंग है वो मुझे थोड़ा देख कर करना पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली क्या है ना, इसका जो क्या कहते हैं, जो बिल्डअप होता है अटैक का वो बहुत लंबा रहता है, लेकिन अटैक जो है बहुत लेट पे आता है। तो मैं यूजुअली फोरसाइट उसके बिल्डअप के ही टाइम पे कर लेता हूँ। तो वही दिक्कत हो रही है मुझे, मुझे इसके अटैक्स पैटर्न सही से समझ नहीं आ रहे। था वो गलत जगह पे चिपका हुआ था मैं। हट, टाइम पे मैं उसको बॉल बैंक दे दिया, नहीं तो मैं उसके पानी के बीच में फंस जाता। स्पीड गेज फुल हो चुका है यार, पियर्सिंग कॉर्ड उठाऊंगा। हिट नहीं, मैं लाइफ स्पिरिट स्लैश के लिए तैयार था लेकिन हो नहीं पाया। इससे नहीं, चलो अच्छा अच्छी टाइम पर वहां से निकल गया। स्पिरिट बार भले ही कम हुआ हो लेकिन अच्छी बात है, मुझे वाटर ब्लाइट नहीं लगा। ये क्या था?
नहीं, फिर से वही गलती की मैंने जो करता आया हूँ, गलत टाइम पे फोरसाइट लगाने का। इस बार मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगा। शायद खत्म होने वाला हूं मैं, या फिर शायद नहीं। अगर वहां पर खड़े रहता तो शायद खत्म हो जाता। यार ये कैसे अटैक से, यार हल्का सा टच हो जाता हूं। पास, बहुत सही, एक्सपेक्टेड था मुझे। मैं प्रिटेंड भी नहीं करूंगा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं मरने वाला हूं, क्योंकि उसके मूव्स इतने अजीब अजीब से थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ओके, बहुत सही। ऐसा कोई प्लेटर है ही नहीं जो मेरे को अच्छा खासा स्टैट्स दे रहा है। ब्रियू लवर्स प्लेटर, यही ठीक है। इसका मतलब यह है कि मेरे को हेल्थ वगैरह फिर से रीस्टॉक करने पड़ेंगे। इक्विपमेंट भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वो पानी वाला मॉन्स्टर था तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि उसकी जो कमज़ोरी है वो आग हो, और आग का मेरे पास एक ही वेपन है, वो है इंसेक्ट ग्लेव। तो ठीक है, कोशिश करते हैं इस बार फायर से इसको फाइट करते। हो चुके टेंडराइज। यार कैसे, बड़ी अजीब बात है यार, मैंने उसको कुछ किया भी नहीं और वो इतनी जल्दी डाउन हो गया। थ्रेशोल्ड लगता है बहुत कम था। यही बेस्ट है नीचे से अटैक्स ना लगे। बहुत सही, अब हवाई अटैक लगाना शुरू कर दो। लेकिन ये तो है कि एटलीस्ट इंसेक्ट ग्लेव जो है वो लॉन्ग शॉट से ज्यादा पोटेंट लग रहा है। सही सेव था वो, मैं सही बता रहा, अगर इनसे क्लेव होता तो अभी तक खत्म हो चुका होता मैं।
ज़्यादा जल्दी खुश होना नहीं चाहिए था। मेरा स्टैमिना इतना है या और ज़्यादा होना चाहिए, मेरी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। शायद यही फुल है। पावरअप्स भी नहीं है मेरे पास। अरे यार कैसे, पंखों को फिर से मैंने टेंडराइज कर दिया है। ग्लेव में बढ़िया डैमेज मिल रहा है मेरे को। ऐसा लग रहा है नामियाल के लिए इंसेक्ट ग्लेव ही सबसे बेस्ट वेपन है, क्योंकि इसके बहुत सारे जो अटैक्स हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट सारे अटैक्स इसके ऐसे ही है कि समझ ही नहीं आता यार कि कब अटैक करने वाला है कब नहीं। तो नामियाल देख सकते हो यार काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो चलो चल लेते हैं अपने कैंप पे, कैंप के पास, और फिर फॉलो करते हैं नामियाल को फिर से। वो जितनी बार वहाँ के ऊपर के हमले, मतलब नीचे के हमले करेगा उतनी ही बाद में ऊपर से जाके वही हमला उसके ऊपर दोबारा तो लौटाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नामियाल नीचे से भी अगर कोई अटैक करता है तो इससे ये मतलब नहीं कि उसके अटैक जो है एक बार लगते हैं और जैसे ही एंटीसिपेशन आया उसके एक सेकंड बाद अटैक लगता है। नहीं, नामियाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एंटीसिपेशन आने के 2 मिनट बाद अटैक लगता है और हर बार के लिए अलग है। यानी कि हर बार एंटीसिपेशन आया और उसके एक सेकंड बाद फिर अटैक लगा। मेरे को कैसे लगा यार, मैं हवा में था, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ही अजीब सा मैकेनिक मेरे को लगता है। मैं था ही नहीं वहां पे फिर भी मेरे को अटैक लगा। वो नामियाल दूर जा रहा है, फिर से चलते अपने नेस्ट पे और नामियाल के पीछे। आई गेस लेगियाना की ही जगह पर है वो अभी। awesome.
बात सही, एक और बात अंकों को मैं टेंडराइज कर दूंगा। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, पर खैर कोई दिक्कत नहीं। पानी पी रहा है वो फिर से, उसको उस टर्न पे इंसेक्ट ड्रिल नहीं लगा इस बार, पर कोई दिक्कत नहीं। और देख ही सकते हो यार, मेरा जो तलवार है या फिर मेरा जो इंसेक्ट ग्लेव है, हार खत्म हो चुकी है। री शार्पन करता हूं मैं इसको। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अनएक्सपेक्टेड था, मैं ये कहूँगा कि मेरी पोजीशनिंग गलत थी उस टाइम पे। सच को तो अनएक्सपेक्टेड ही था वो। गुस्सा आ चुका है अभी से। ये कैसा अटैक था यार, कहीं पर भी कुछ भी लगे पड़ा है मेरे को। इसके सर से मुझे, अरे यार पावर अप मिल चुका है, नाइस। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। भागना भी सबसे बेटर तरीका है। अगर मेरे को ब्लाइट्स नहीं लगते ना, तो ये फाइट में कब तक खत्म कर चुका होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि नमियाल कमज़ोर पड़ चुका है, उसके फ्लाइंग स्टाइल से ऐसा लग रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोर पड़ गया तो मेरे लिए अच्छी बात है। एक और चीज़ है, मैंने इवेजन मेंटल नहीं, क्या था वो, बैंडिट मेंटल। कैसे यार, मेरे पास मेंटल्स वगैरह थे, मैंने अभी जस्ट यूज़ किया था, लेकिन वो लगता फिर से रीसेट हो गया। फिर से अपने केव पे जा कर के मैं मेंटल्स वगैरह ले कर के आता हूँ। अगर तुम्हें याद होगा कि एकदम शुरू में ही मैंने नए मेंटल्स वगैरह उठाए थे, अभी वो फिर से रीसेट हो चुका है। मुझे कोई आइडिया नहीं है क्यों, गेम पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहा है। चेंज इक्विपमेंट देख ही सकते हो यार, बैंडिट मेंटल नहीं, ये वाला मेंटल और ग्लाइडर मेंटल। एक ही बार मैं ऊपर तक ग्लाइड करते हुए जाऊँगा, और जैसे ही ग्लाइड करते हुए जाता हूँ उसी टाइम पे मैं टेम्पोरल मेंटल भी लगा लूँगा। टेम्पोरल मेंटल बेसिकली ऑटोमेटिकली डॉज करने में हेल्प करता है,
कुछ समय तक, यानी कि जितने ज़्यादा हिट्स पड़ते हैं और उतना ज़्यादा मुश्किल होता रहता है टेम्पोरल मैंटल की मदद से डॉज करना। ओके, टेम्पोरल मैंटल इक्विपमेंट के पास ले आता हूँ मैं। बहुत सही, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी पूंछ काट दी मैंने, नाइस। टेम्पोरल मैंटल लगा दिया मैंने। तो यार ये यही है टेम्पोरल मैंटल का कमाल, ऑटोमेटिकली डॉज कर लेता हूँ मैं। ऑटोमेटिकली डॉज, गलत टाइम बच गया मैं। कर दिया मैंने इसको टेंडराइज। अभी गलत टाइम पे टेम्पोरल मैंटल का इफेक्ट खत्म हुआ। आने देता हूं उसको। अगर पानी नहीं है तो शॉक भी नहीं दे सकता। चलो यार नैमियल खत्म। फिर से यार कुछ ज्यादा ही अनोइंग हंट था। इनफैक्ट आधा हंट तो मेरे को हील करने में लग गया, हेल्थ नहीं ब्लाइट से, क्योंकि जब भी वाटर ब्लाइट मिल रहा था मेरा स्टैमिना इतनी जल्दी जल्दी कम हो रहा था और उसको बढ़ने में भी टाइम लग रहा था। इसको मारने के लिए वैल हजैक से भी ज्यादा टाइम लगा, ऑलमोस्ट आधा घंटा लग चुका है इसको मारने के लिए। देख ही सकते हो 28 मिनट्स का हंट था, बहुत ही बेकार। आधा उसमें स्किल इशू था और आधा तो ब्लाइट का इशू था। नेक्स्ट टाइम अगर इससे लड़ने आऊँगा तो कंप्लीटली ब्लाइट रेजिस्टेंस लेकर के आऊँगा। तो यार इसी के साथ ये क्वेस्ट भी हो चुका है कंप्लीट। नया ड्रैगन था एक, कंप्लीटली नया डिज़ाइन, कंप्लीटली नया मूव सेट, और मुझे लगता है इसके वेपन्स जो है वाटर बेस्ड ही होंगे और इसका आर्मर मोस्ट प्रोबेबली वाटर रेजिस्टेंस देगा। वैसे लगता तो नहीं कि वाटर रेजिस्टेंस देगा क्योंकि कोई भी ऐसा आर्मर है नहीं जो एलिमेंट रेजिस्टेंस अच्छे से दे सके। Listen up everyone. We have the results from our investigation into the old Everwork. I'll go first then, shall I? After investigating the locations of the song, we discovered something of a pattern. These are the locations in chronological order. Pattern? It looks a bit random to me. Just hold on a minute now. Let me add the locations of the seismic actions from first to last. A spiral?
following the Everstream. Of course. So it's been moving along the trails of energy emanating from the Everstream. Well, just for good measure, how about we tack on that Elder Dragon data that the Fifths collected? Yes, sir. Here's where the Elder Dragons first became active. Amazing. Looks like our teamwork's paid off. So, what's next? Well, we've discovered a remote island by following the line of the spiral mapped out here. If we also take into account when the Elder Dragons first began to appear, then this must be the location of the old Everworld. Now then, we know little about this island. If we go, we'd need to steel ourselves for what may be the greatest challenge we've ever faced. So, what do you all think? Do you even have to ask? Full steam ahead! Agreed. I know you're concerned for our safety, Commander, but we're ready. We've been ready. Besides, we don't have any other options. That settles it then. We'll send the Fifth Fleet, our greatest hope. And right now, we need hope more than ever. Chief, we'll need your leadership too. I wouldn't trust anyone else to get us back safely. These drastic changes to the environment might eventually snowball into something irreversible. We need to do something before that happens. We'll give the Fifth Fleet our full support. Begin preparations for departure. Yes, sir! It's all up to you two now. I'll be sitting this one out, but I still expect to hear all about it when you get back. Fifth Fleet, come to me once you're ready. All right, everyone, let's get to it. तो यार ओल्ड एवरवर्म का लोकेशन पता चल चुका है. ओल्ड एवरवर्म बेसिकली एक और नया एल्डर ड्रैगन है जो मतलब हमेशा से रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा पुराना है. तो यार आज के लिए बस इतना ही. दो दो एल्डर ड्रैगन्स इसी एपिसोड में मैंने हंट कर लिया. काफ़ी अनोइंग थे. कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड्स में इन्हीं हंट्स को मैं थोड़े से और इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, थोड़ा सा और पॉलिश कर सकूँ और उन हंट में फिर मज़ा आना चाहिए. तो यार इसी के साथ ये एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ तुमको एपिसोड पसंद आया होगा. ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ कि आज के ड्रैगन्स तुमको कैसे लगे. इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मैं मिलता हूँ तुमको मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर.